सभी लोगों के मन में ये सवाल होता है कि अब नीट की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो हमें काउंसलिंग के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरतें पड़ेगी। तो इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिसमें आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स नीट 2023 की काउंसलिंग के लगेंगे उसकी एक चेकलिस्ट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा और सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझिए। तो सबसे पहले आपका जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसके टाइम आपको स्लिप मिली होगी, वो आपको रखना पड़ेगा, उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी और वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चाहिए आपका नीट एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड आया था नीट का ओरिजिनल वाला, आपको वो लगेगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे आपका जो रिज़ल्ट आया था स्कोर कार्ड, उसकी भी आपको ज़रूरत होगी। यदि ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप अभी NTA नीट की साइट पर जाइए और वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन, एडमिट कार्ड और रैंक लेटर, मीन्स आपका जो रिज़ल्ट है, वो डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे MP ऑनलाइन में, तो आपको उसकी रिसिप्ट लगेगी, और रिसिप्ट लगने के बाद, ये स्टेट कोटा के बच्चों के लिए है, और जब आपको रजिस्ट्रेशन के बाद आपका जब अलॉटमेंट हो जाएगा, तो उसका जो अलॉटमेंट लेटर है ये आपको लगेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको तब लगेगी जब आपको कई कॉलेज अलॉट हो जाएगा और आप वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए जाएंगे। इसके बाद रिन्यूइंग लेटर काम का नहीं है। उसके बाद आपको जो आपकी 10th की मार्कशीट है वो लगेगी, जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है। 10th की मार्कशीट सिर्फ यही रोल होता है कि वो आपके डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए होती है। फिर आपको 11th की मार्कशीट रखनी है अपने पास, आपको 12th की मार्कशीट रखनी है। उसके बाद यदि आपने 12th के बाद कोई ग्रेजुएशन किया हो और उसके बाद आपका नीट में सिलेक्शन हुआ हो, तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको मार्कशीट यहाँ पे कॉलेज में आके सबमिट करनी है। ठीक है, फिर 11th नंबर पे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपको स्कूल से या फिर कॉलेज से जहाँ से भी मिला हो, आप वो जमा कर सकते हैं। फिर आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यदि आपने 12th पास किया है फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन हुआ, तो आप स्कूल वाला TC देंगे, और यदि आपने कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ से अब आप यहाँ पे आने वाले हैं, तो आप कॉलेज वाला TC देंगे। फिर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की नीड होगी, फिर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो कि हर स्टेट, मतलब आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ से आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनेगा। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट का एफिडेविट भी लगता है, वो भी आप बनवाएंगे। इसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट की नीड होगी, जो कि आप अपने ब्लॉक ऑफिस से बनवा लेंगे और आपका बना भी होगा। फिर 16th नंबर पे यदि आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको EWS का सर्टिफिकेट चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट बहुत ही ज़रूरी हो जाता है यदि आप कोई भी स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना चाहते हैं, जो कि SC ST OBC EWS वाले बच्चों के लिए होता है। यदि कोई पर्सन डिसेबल है, मीन्स वो हैंडीकैप्ड है, तो उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत होगी। यदि आप कोई सैनिक कोटा या फिर फ्रीडम फाइटर कोटा से एडमिशन ले रहे हैं कॉलेज में, तो उसका जो भी सर्टिफिकेट होता है आपको उसकी भी ज़रूरत होगी, तो वो आपको बना के रख लेना है। अब आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको ओरिजिनल दिखाना होगा और आपको कलर्ड फोटो कॉपी यहाँ पर सबमिट करनी होगी। तो आप पैन कार्ड मेनली यूज़ करिए और आधार कार्ड। यदि आपने गैप लिया है, मीन्स 12th के बाद आपका गैप हुआ है, आपका 2-3 साल बाद सिलेक्शन हुआ है नीट में, तो उसके लिए भी आपको एक गैप एफिडेविट देना होगा, जो कि 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में बनेगा। तो आप ये भी काउंसलिंग स्टार्ट होने के पहले बनवा लें, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। फिर 22 नंबर पे आता है रूरल सर्विस बॉन्ड एंड सीट लिविंग बॉन्ड। ये आपका कॉलेज से ही बन जाएगा, मीन्स जब आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे उसके बाद आपको बनाना होगा, ये पहले से बना के नहीं रखना है। यदि आपका अपग्रेड हो रहा है, मीन्स आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, अब आप सेकेंड राउंड में अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आपको 500 रुपये का स्टाम्प पेपर में इसका एफिडेविट बना के देना होगा कि यदि मेरा कॉलेज अपग्रेड हो जाता है तो मैं वहाँ पे जाके ये बॉन्ड सबमिट करूँगा, या फिर नहीं होता है तो मैं यहीं पर फिर से आके ये बॉन्ड सबमिट करूँगा। तो ये फाइनल एडमिशन के टाइम भी बनता है। ठीक है, सीट लिविंग बॉन्ड एंड रूरल सर्विस बॉन्ड, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको पहले से बना के नहीं रखना है। उसके बाद यदि आप एडमिशन करा रहे हैं, ठीक है, फाइनल एडमिशन, तो उस टाइम आप ये जमा कर देंगे, सीट लिविंग और रूरल सर्विस बॉन्ड। इसके बाद जो अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, उसका एक एफिडेविट बनाना होता है, जिसका फॉर्मेट परफॉर्मा नंबर 9 में दिया हुआ है। तो ये मैं आपको एक दूसरी वीडियो में बता दूंगा, या फिर मेरे चैनल में वीडियो है जिसमें ये परफॉर्मा डाला हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। तो ये आपको 100 रुपये का स्टाम्प पेपर में बना के देना है कि मेरा जो डोमिसाइल है, मेरा इसी स्टेट का है, मैं यहीं पर रहता हूँ, यहीं का निवासी हूँ, मैंने किसी भी दूसरे स्टेट की नागरिकता नहीं ली हुई है, ऐसा इसमें एफिडेविट में लिखना होता है। ये आपको परफॉर्मा मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक एंटी रैगिंग का एफिडेविट बनाना होगा, जो कि आप कॉलेज में आने के बाद ही बनाएंगे। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास एक पोस्ट कार्ड साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए, बड़ी सी, ठीक है, और आपको कम से कम 30 से 40 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो बना के रख लेनी है, वो भी हाई क्वालिटी में, ये आपको लगेगी ही। तो आप इतनी सारी चीज़ें बना के रखें, और परफॉर्मा नंबर 9 तो हमने बता दिए हैं, परफॉर्मा नंबर 9 है अपने डिसिप्लिन के लिए, और इसके लिए लगता है परफॉर्मा नंबर 7, जो कि दूसरी वीडियो में आपको बता दूंगा। और ये जितने भी सारे मैंने आपके डॉक्यूमेंट बताए हैं कि नीट रजिस्ट्रेशन, एडमिट कार्ड, रैंक लेटर, और फिर 10th 12th की मार्कशीट, TC, माइग्रेशन, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट,
डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, गैप एफिडेविट, ये सब चीज़ें आपको अभी से सबकी चार्जर सेट बना के रख लेने हैं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, और आपको अपने अधिक से अधिक फ़ोटो खिंचवा के रख लेनी है। तो यही सब डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, इतने डॉक्यूमेंट में आपका काम हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।